दोस्तों, मैं ऋतिक कुमार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैंने पिछला वीडियो बनाया था GTA San Andreas कैसे डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर में महंगा मिलता है। उस वीडियो में आपको बता दिया हूँ कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि चल नहीं रहा है डाउनलोड करना करने के बाद, तो उसी को मैं बताने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। जी, आपका डाउनलोड होने के बाद फाइल यूसी ब्राउज़र में जाता है, तो आप पहले अपना फाइल में चले जाएं। यूसी डाउनलोड, आपका फाइल में ये जो डाउनलोड कीजिएगा आएगा फाइल, जिसका आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, मतलब डिटेल देख लीजिए। 2.41 GB का है। आपको इसको यहाँ से कट करना है, या कॉपी कीजिए, कट कीजिए या कॉपी कीजिए। मैं कट कर लेता हूँ। और आपको एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में देखिए, OVV में जाना है और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, जो मैंने कर दिया। उसके बाद जो आपने डाउनलोड किया था ऐप GTA San Andreas का, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर लें। ये आप देख सकते हैं वहाँ पे, आप फाइल में जब डाल देंगे तो आपका GTA San Andreas चलने लगेगा। जी, देख सकते हैं आप। दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें लाल बटन पे, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देख रहे हैं, ये मेरा चल रहा है GTA San Andreas। पिछले वीडियो में मैंने यहीं तक छोड़ा था। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट्स कर सकते हैं।